जी मैं ठीक से काटिए। हेलो स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन एस डी एस वी एम ऑनलाइन क्लास बैठा। आज स्टूडेंट हम लोग बहुत दिनों से चैप्टर में क्लास 9 के लिए वीडियो कुछ नहीं जा रहा था। छात्र बहुत उत्साहित थे कि आचार्य जी 9th का वीडियो नहीं आ रहा है, कितना फोन भी आया। तो आज से इंतजार की घड़ी ख़त्म, आज से हम लोग 9th का वीडियो फिर स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट हम लोग दो चैप्टर टिशू तो पढ़े थे, आज तीसरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे Why do we fall ill? बीमार हम लोग क्यों पड़ते हैं। तो देखो, बीमार पड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बीमार पड़ करके रह जाना ये बहुत बड़ी बात है। अकॉर्डिंग टू WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन के हिसाब से हमारा हेल्थ 3 भागों से कंप्लीट होता है, फिजिकल, मेंटल, सोशल। फिजिकल में हम लोग अपने शरीर का फिटनेस देखते हैं, जैसे रेगुलर एक्सरसाइज करना हुआ, फिर जो हमारा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो कैसे फिट रहे, इसके बारे में फिजिकल में। मेंटल में हम लोग बेसिकली ये देखते हैं कि हमारी जो मानसिक स्थिति है, अर्थात जो हमारा मेंटल लेवल है वो सही है कि नहीं। दूसरी बात कि मेंटल लेवल के लिए जो व्यक्ति जिस चीज़ की उम्मीद करता है, जो उसको नहीं वो चीज़ मिलती है, तो वो हम मान सकते हैं कि वो मेंटली अनफिट हो गया। तो मेंटल जो है, मेंटल हेल्थ सही होना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात यह है कि सोशल वेल बीइंग, सोशल हेल्थ भी होना चाहिए। सोशल हेल्थ इसलिए होना चाहिए क्योंकि व्यक्ति सोशल, क्योंकि समाज में जीता है और समाज में ही रहता है, इसलिए उसको सोशली भी फिट होना जरूरी है। सोशली में किसी से झगड़ा ना हो, अपने बगल वाले से अच्छा व्यवहार रखे, कम्युनिटी में सबके साथ अच्छा वेल बिहेव करे, ये सभी बातें सोशल में आती। अब स्टूडेंट बात आती है कि हम लोग गुड हेल्थ कैसे रखें, तो फिटनेस रखें, सोशल टेंशन ना रखें, अपने आप को कॉम्प्लेक्स रिलैक्स में रखें और सही से भोजन करें। तो कंडीशंस नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ, अब क्या क्या कंडीशंस है, तो बैलेंस डाइट तुम लोगों को मालूम है, ऐसा डाइट जिसमें सभी न्यूट्रिएंट, पोषक तत्व एक सही और निश्चित मात्रा में अवेलेबल हो, जिसके चलते हमारा बॉडी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छा रहे, उसको हम क्या कहेंगे स्टूडेंट, बैलेंस डाइट बोलेंगे। पर्सनल हाइजीन, साफ सफाई, अपने शरीर की साफ सफाई, साफ रखें, साफ कपड़े पहने, स्वच्छ रहें। दूसरा है हेल्दी हैबिट्स, अच्छी आदतें भी अच्छी रखनी जरूरी हैं। कब समय पर खाना चाहिए, कब समय पर सोना चाहिए, कब खेलना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए, सबका एक रूटीन होना चाहिए। उसके बाद से रेगुलर एक्सरसाइज है, हम एक्सरसाइज करते हैं, प्रतिदिन एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन वो एक्सरसाइज हमारा जो है सही तरीके से हो, सही पोस्चर में हो। ये नहीं कि जब हम एक्सरसाइज करें तो हमारे बॉडी का स्ट्रेस मूवमेंट हो जाए, जिसके चलते किसी मांसपेशी में खिंचाव आ जाए, ये भी थोड़ी सी ध्यान रखें। क्लीन एंड पॉल्यूशन फ्री एटमोसफेयर, हमारा जो वातावरण हो वो साफ सुथरा हो, हम सही जगह पर रहें, साफ और स्वच्छ जगह पर रहें, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात यह है कि अगर हम किसी पेट एनिमल के साथ रहते हैं, किसी पालतू जानवर के साथ रहते हैं, तो उसका भी हाइजीन सही रखें, उसको भी साफ स्वच्छ रखें, अपने वातावरण को साफ स्वच्छ रखें, ये सारी बातें इसके तहत आती हैं। और साफ शुद्ध और स्वच्छ भोजन, शुद्ध जल, ये सब चीज़ें चाहिए। दूसरी बात ये है कि हम लोग जब रहते हैं तो दो स्तर पर रहते हैं, एक पर्सनल स्तर पर, एक कम्युनिटी स्तर पर। पर्सनल माने होता है स्वयं के स्तर पर, अपनी बॉडी के लिए, अपने शरीर के लिए, और कम्युनिटी माने होता है समूह में, समुदाय में, जैसे 5 लोग, 10 लोग, 15 लोग, चाहे गाँव समाज हो गया, चाहे शहर का कुछ समाज, तो ये कम्युनिटी लेवल होता है।
पर्सनल हेल्थ में हम अपने शरीर की सफाई स्वयं करेंगे और कम्युनिटी लेवल में सारे लोगों को कार्य बांट देंगे कि भैया आप ये करें ये करें ये करें, इस तरह से हम लोग बांट देंगे और वो एक सामूहिक रूप से कार्य होगा। तो ये हो गया हमारा कम्युनिटी हेल्थ। अब बात ये है कि कम्युनिटी हेल्थ में कौन कौन सी चीज़ें होंगी। तो एक ड्रिंकिंग वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर है तो सभी को शुद्ध पानी मिले, साफ शुद्ध स्वच्छ पानी मिले, क्लीन एटमॉस्फेयर हो तो सबके लिए क्लीन एटमॉस्फेयर हो। ये सारी बातें जो हैं हम किसके अंतर्गत बात कर सकते हैं, कम्युनिटी केयर से। तीसरी बात की हम हेल्थ केयर सर्विस जैसे हॉस्पिटल है, चिकित्सालय है, चिकित्सालय हॉस्पिटल को भी रेगुलर साफ सफाई की जरूरत है, ये इधर उधर थूके ना, ये सब चीजें जो है इसके तहत ही है। उसके बाद से एक अच्छे इकोनॉमिक कंडीशन देने के लिए, सोसाइटी को एक अच्छा इकोनॉमिक कंडीशन देने के लिए हर व्यक्ति की आय भी उसी हिसाब से होनी चाहिए, तभी कम्युनिटी हेल्थ अच्छा हो सकता है। और पर्सनल हेल्थ में ये हमारी बात है, ये अपने ऊपर लागू होती है। थोड़ा सा डिफरेंस स्टूडेंट ध्यान से आप सुनोगे और उसको नोट करोगे तो पर्सनल हेल्थ में इंडिविजुअल बेस्ड होगा, कम्युनिटी बेस्ड में पूरा कम्युनिटी बेस्ड होगा, कम्युनिटी हेल्थ में पूरा कम्युनिटी बेस्ड होगा। दूसरा इसमें जो है सोशल मेंटल एंड फिजिकल, इसके लिए पर्सनल होगा और इसमें जो है सभी के लिए होगा, सोशल मेंटल और फिजिकल ये सभी पूरे कम्युनिटी के लोग के लिए होगा। और इसमें साथ में डोमेस्टिक वाटर जो हम अपने लिए यूज करेंगे वो अपने पर्सनल, जैसे घर में आरो लगाए वो अपने लिए हो गया, और सभी के लिए अगर बड़ा सा आरो लग रहा है किसी सरकार के द्वारा किसी या फिर किसी सोसाइटी के द्वारा तो वो कम्युनिटी बेस्ड पर चल जाता है। तो इस तरह से स्टूडेंट हम ये देखते हैं कि जो हमारा कंडीशन है, जो हमारे सोसाइटी का कंडीशन है वो अच्छा होगा। तो आज के वीडियो में स्टूडेंट इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज डिजीज, क्या क्या सिम्टम्स लक्षण, और आगे हम लोग कंसिडर करेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।